नमस्कार, मैं जर्जोताना तारा एपीएन लाइव 24 का संपादक। मैं हमारे जितने भी जो दर्शक हैं, हमारे जो अरुणाचल के जो सरकार है, उनको मैं बताना चाहूँगा। 19 अगस्त को जो है मेरा बांजा आनंद जो है, जिसको आईटी डिपार्टमेंट वालों ने उनके मर्जी के खिलाफ उनको जो है यिंक्योंग में जो पोस्टिंग किया है, वो 19 तारीख को यिंक्योंग से पासीघाट अपने कुछ काम के लिए आ रहे थे। उस वक्त जो है मेवो के आसपास उनका दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्षति मेरे को हुआ है, क्योंकि आनंद नाम जो है वो मेरा दीदी का बेटा है, और आनंद का जो मिसेस है वो मेरा चाचा का बेटी है। तो इस दुख का घड़ी में जो है हमारे जो मेवो के जो लोग हैं, पासीघाट के जो लोग हैं, उन्होंने जब पता चला कि हमारे भांजा जो है वह दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट में वो मारा गया है, उन लोगों ने सब ने मिलकर जो है उनको जो है उनका लाश जो है उनको रिट्रैक्ट करने में जो मदद किया, इसके लिए उनको उन सबों को हमारे परिवार के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। साथ में हम हमारे जो पासीघाट के जो एमएलए है निनोंग इरिंग जी को, उसको मैं कहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला, मैंने निनोंग इरिंग साहब को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने जो है वहाँ का जितना भी जो इंतजाम है, हमारे जो भांजा है उनका जो पार्थिव शरीर को यहाँ से सहरसा तक लाने में उन्होंने जो योगदान दिया, इसके लिए हम जो है हमारे परिवार की ओर से निनोंग इरिंग साहब जी को हम धन्यवाद देते हैं। मैं एक और सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ सरकार से। ट्रांसफर पोस्टिंग करना आपका प्रेरोगेटिव है, आपको राइट बनता है। जैसे हमारा जीजाजी ने सवाल किया है, जिसका आनंद नाबम का साथ में जिसका ट्रांसफ़र हो गया था, उसका हर किसी का ट्रांसफ़र जो है कैंसिल हो गया था, मगर आनंद का जो है ट्रांसफ़र जो है उनके बार बार अपील करने के बाद, उनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनका ट्रांसफ़र जो है कैंसिल किया नहीं हुआ, ये एक सवाल। दूसरा सवाल जो है मैं ये करना चाहूँगा, आईटी डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट को मेरे भांजा ने अपना तकरीबन 9-10 साल अपना जिंदगी उस डिपार्टमेंट में दिया है, आईटी डिपार्टमेंट वालों से जो है एक भी कंडोलेंस मैसेज नहीं आया आज तक हमारे परिवार के पास, ये बहुत दुख का बात है। चलिए जो भी हो, जो होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, मगर एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक अपील रहेगा, हमारे जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा आईटी डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है और जो चेयरमैन है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो बहन है जिनका जो छोटा छोटा बच्चा है जिसको मेरे भांजा ने चोर के चला गया है, उनका जो है जीवन को जो है सुरक्षित करने के लिए ऑन कंपनसेट ग्राउंड में, ऑन ह्यूमनिटी ग्राउंड में जो है उनका जो है नौकरी को जो है उनको दे देना चाहिए। और आज जो है एज पर कैथोलिक का रिचुअल्स के हिसाब से उन लोग जो है 9 दिन में जो है उनका जो लास्ट मेमोरियल जो सर्विस है वो करता है, आज उनका लास्ट मेमोरियल सर्विस डे है। तो मैं यही दुआ करता हूँ मेरा भांजा के लिए कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, भगवान हमेशा आपको आशीर्वाद दे, धन्यवाद। आज 28 अगस्त 2021 में जो मेरा आनंद बेटा का जो अंतिम एक्टिविटी
मैंने सर्विस है, मेमोरियल सर्विस जो अभी करने जा रहा है, एक बड़ा बहुत बड़ा सोचना और दुख का बात है कि आनंद मेरा बेटा को उनका अंकल आयो लोग जो इतना सेवा करके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में उन्होंने नौकरी दिया, नौकरी के बाद में शादी भी हुआ, अभी दो बच्चा भी है, एक लड़का एक लड़की है, लास्ट बच्चा जो है अभी 9 महीना चल रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जहाँ तक बात है, मेरा बेटा हमको बोल रहा था इतना दूर है हम कैसे जाएगा, और उसका बाद में आपका टीएबल भी ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के साथ में वो लोग पैसा जो देता है वो पैसा भी अप्लाई करके देखा, वो भी पैसा रिलीज नहीं किया है। तो जॉइनिंग के बाद में तब वो नहीं जाएगा बोल के ऐसा उसका एक विचार डाल रहा था, तब मैंने सोचा कि नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, यदि कल को वहाँ में ज़्यादा लेट हो जाएगा तो एक नौकरी का सवाल है, तो सर्विस डिसमिस होने का भी चांस हो सकता है बोल के तब हम अपना पर्सनली हम अपना खर्चा से गवर्नमेंट जबकि पैसा नहीं देने के चलते मैं अपना खर्चा से ईटानगर से उसको यिंकुंग हम पहुँचाया है, पूरा फैमिली को वहाँ में सेटल कराया। अभी हमको ऐसे लगता है हो सकता है कि वो टेक्निकल असिस्टेंट आईटी में जो डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्ट है कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका जिसने जो ट्रांसफ़र किया है जो अथॉरिटी उनको ये चीज़ थोड़ा हम लोग को थोड़ा बताने से ठीक है। हाँ, आनंद का टीए का पोस्ट वहाँ था बोल के, अगर नहीं था तो बाकी जितना भी ट्रांसफ़र किया गया था सबका कैंसिल करने के बावजूद भी मेरा बेटा जो उसको रिक्वेस्ट किया कि यार हमको एक दूसरा जगह में भी थोड़ा दे दो कि हम वहाँ में जाना नहीं चाहते, तभी भी उसका कोई एक शब्द का भी कंसीडर नहीं हुआ। तो लास्ट में पता चला कि अभी जितना ट्रांसफ़र किया गया सबको कैंसिल किया, केवल मेरा बेटा आनंद का केवल कैंसिल नहीं किया। ये इज्जत गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है जो चेयरमैन है तो चेयरमैन है, पता नहीं उनमें क्या हमारा बेटा ऊपर में क्या दुश्मन है वो है हमको मालूम नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा फैमिली का बहुत बड़ा दुख है। और उसके साथ साथ में जहाँ में अभी हम लोग को जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो इसीलिए मैंने हुआ था कि दूर है, हमको बोला पापा दूर है इसलिए हम आना जाना के लिए बहुत तकलीफ हो गया, तो अभी इतना दूर आना जाना मुश्किल है इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम एक गाड़ी ले लेगा तो गाड़ी लेने के बाद में हम आना जाना करेगा बीच में साल में ऐसे उसी सिलसिले में उसी मतलब से मैंने दूर होने के चलते, तो इसीलिए मैंने तो ये अगस्त महीने का 13 तारीख को मैंने वहाँ ईटानगर से एक गाड़ी लिया, उस गाड़ी से आपका पासीघाट में कोई काम के लिए निकल रहा था, तो रास्ता में पासीघाट पहुँचने से पहले आपका वहाँ में आपका गाड़ी जो एक्सीडेंट होकर अभी लड़का 19 तारीख को वो डेट हो गया। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दुख का बात है कि एक जवान बेटा जो खो जाने से कोई भी एक फैमिली में सबको एक सेंटीमेंट लगेगा कि मैंने एक जवान बेटा और हमारा परिवार में यही एक नौकरी करने वाला है, तो बहुत बड़ा मेरा अंकल लोग का भी बहुत बड़ा दुख है, हमारा समाज का भी बहुत बड़ा दुख है कि इस अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन में। दूसरा है जो जिन्होंने हमें पासीघाट के जो कम्युनिटी लोग जो हमारा आदि भाई लोग है उन्होंने हमारा वो लोग उनको खबर मिलते ही हमको वो लोग हमारे सेवा किया है, तो तानी क्लैन का बाइक के हिसाब से उन्होंने जो हमको मदद दिया है इसलिए हम हमारी थैंक्स देता है कि और आगे हमारा अरुणाचल का जितना भी भाई तानी क्लैन का जो भी भाई है ऐसे एक दुर्घटना में ऐसे एक दूसरा को सेवा करना ये एक अच्छा नमूना उन्होंने प्लेस किया है, इसलिए इस मीडिया के थ्रू से मैं उनको हम थैंक्स देता हूँ कि और आगे भी हम लोग ऐसे जुड़ते हुए हम लोग काम करेगा।
इसके बाद में मेरा फैमिली से मैं आनंद का पिताजी की ओर से मैं सरकार को मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक एजुकेटेड एक तो बुआरी है वो एमए करके बैठा हुआ है, अभी दो बच्चा पालने के लिए हम लोग के पास में तो नौकरी शौकरी भी है नहीं, तो मेरा बेटा का बदले में उसको ऑफिसर के रैंक में उनका डिपार्टमेंट के अंदर में उनको इमीडिएटली मैंने उसको कंसिडर करके उसको मैंने सर्विस में मैंने अभी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है तो वो डिपार्टमेंट इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि मेरा मैंने बहू को उसको ऑफिसर के रैंक में मैंने इमीडिएट मैंने गवर्नमेंट कंसिडर करके तो उसको दे देना चाहिए ताकि हमारा बच्चा का भविष्य को देखते हुए सरकार उस चीज़ को स्पेशल कंसिडर करने के मैं अपील करता हूँ सरकार से। और उसके साथ साथ में हमारा यहाँ का जो हमारा सेजुसा का जो हमारा भाई कम्युनिटी सेजुसा का जितना भी हमारा रिलेटिव जो कम्युनिटी 19 तारीख से ले खबर जब मिलते ही आज तक हमारा साथ में दुख में सुख में हमारा साथ में मतलब दे रहे हैं, कोई प्रेयर टीम है, कोई उसका बाद में हौसला दिलाने वाला टीम है, ऐसे ऐसे करके हमारा अंकल लोग का सहायता से रिलेटिव का सहायता से हमारा सेजुसा का सेजुसा दारलुंग से लेके आपका जोली तक हमको रोज़ हम मेरा साथ में है इस दुख में वो लोग मेरा साथ में दे रहे हैं। मैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ कि मेरा बेटा को एक इज्जत रखते हुए आज ये 28 आज एंडिंग प्रोग्राम तक वो लोग हमारा साथ है, हमारा मिशनरी फादर लोग भी पूरा साथ में है, तो इसलिए हम लोग बहुत आदमी लोग को हम इनविटेशन नहीं दे, उन्होंने कहा कि हमको इनविटेशन का ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में है। तो थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ कि इस मैं चैनल के द्वारा सरकार और हमारा कम्युनिटी हमारा इस हमारा दुख में जो साथ दे रहा है और सरकार हमें स्पेशल हमारा जो अपील है उसको कंसिडर करना है। कर दिया जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। बोलो